आपको पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जी और जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ हैं पुरानी जगहें, जो हमारी सिविलाइजेशन, जी जी चाहे वो मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा, जी वहां का ये कोई स्टेचू, और ये तीन आदमी वहां खड़े होकर हाँ। और उसके ऊपर एक तरह से लानत भेज रहे हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। हमारे हैं तारिक फतेह साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तारिक साहब जो है एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, ऑथर भी हैं। हम तारिक साहब से अक्सर हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया आज। नॉट एट ऑल सर कैसे सबसे चल पहले रहे मैं हैं आपको, रोजे? चल रहे हैं आपके? सर चल रहे रोजे, रोजे तो अच्छा आपको स्पीड पता ही है, बहुत स्लो होती है। और मेरे भाई मुझे कहते हैं कि 10 रोजों के बाद तुम्हारी ईद की शॉपिंग शुरू हो जाती है, रोजे तुमने पूरे रखने नहीं होते, तो सबसे ज्यादा एक्टिव भी तुम ही होती हो। तो मैंने कहा तो सही है ना, मैं कम रखती हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी होती है कि मैं शॉपिंग नहीं, करूँ। आप ज्यादा रखा करें, दिन में 3-4 रखा करें और कहें कि मैं एक्सपीरियंस। एनीवे सर मैं बिल्कुल आपको पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी। जी और जैसे आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ हैं पुरानी जगहें, जो हमारी सिविलाइजेशन, जी चाहे जी वो मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा, वहां का ये कोई स्टेचू, और ये तीन आदमी वहां खड़े होकर और उसके ऊपर एक तरह से लानत भेज रहे हैं। हाँ। ये हाल है यहाँ पाकिस्तान में लोगों का, और इस तरह से यहाँ पे ये अपनी ही सिविलाइजेशन को मानने से इनकार है ये इनको। तो तो मोहनजोदड़ो के वो जो द बियर्डेड मैन, दैट फेमस स्टैचू, ये तो उसका रेप्लिका है, जी जी बिल्कुल। शहर में कर रहे हैं ये। और ये कोई वहीं पे उसी का उस इलाके से ही कोई लेके शायद कहीं पे पहुंचाया जा रहा होगा किसी और जगह। तो ये तीन लोग खड़े हुए हैं और ये सिंध के ही लग रहे हैं, और किस तरह से इनका आप देखें अंदाज क्या है कि ये उस स्टैचू के ऊपर लानत भेज रहे हैं। तो ये किस किस्म के लोग हमारे इर्द गिर्द हो गए हैं जो अपनी ही सिविलाइजेशन को जो है पहचानते नहीं है, कुछ इन्हें पता नहीं है, आप क्या कहेंगे? मैं तो आई एम शॉक्ड कि कोई ऐसा कर भी सके। ये तो दुनिया की यानी सबसे कीमती जिसे सिविलाइजेशन है, जिससे हमें फख्र करना चाहिए, ये वो एरिया है मोहनजोदारो का जहाँ 5,000 साल पहले लोगों को घर नसीब थे, बेडरूम्स अलग होते थे, बाथरूम अलग था, किचन अलग था, सारी सड़कें जो थीं वो नॉर्थ साउथ मेन जाती थी, एंड उसके फिर ईस्ट वेस्ट जो थी आर्टरीज थी, इट वॉज अ प्लान्ड सिटी। और ये अकेला मोहनजोदारो नहीं था, और हमारे हिंदुस्तान साइड पे भी इसी टाइप की का एविडेंस है। और अब देखिए कि 100-200 साल की एक्सकेविजन के बाद मोहनजोदारो में कोई आपको जंग का सामान नहीं मिलेगा, कोई तलवार या जिसको स्पेयर कहते हैं या ढाल। इट वॉज एट इट्स टाइम दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन जो पैदा हुई हमारे दरियाए सिंध पे, और वहां सिंध के लोग उसको लानत दिखा रहे। मैं नहीं समझता हूँ ये सिंधी होंगे। आई 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 डाउट इट। आई हैव नेवर मेट। मैं देखूंगा ये, इसको चेक करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल। तो और सर ये आज ही सोशल मीडिया पे ये पिक्चर काफी वायरल हुई है, और लोगों ने काफी मतलब लोग नाराज हुए हैं इस पिक्चर के ऊपर। और ये आपको मैं एक बात पता नहीं, बताऊं, मगर तस्वीर सिंधी ही लग रहे हैं, मगर हो सकता है कोई और हो, पंजाबी हो, कौन है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी है। आप तस्वीर जरा रखिए, मैं आपको एक इसमें बात हाँ बताऊं। जी ये जो ईंटें इनके पांव के नीचे हैं, देख रहे हैं टूटी हुई, ये आज के दिन की जो ईंटें हैं ये मोहनजोदारो से ज्यादा कमजोर की इनकी हालत देखिए कि अभी भी टूटी हुई है। जो मोहनजोदारो के अंदर एक्सकवेशन हुई है, जो हीटेड ब्रिक
किन्स के अंदर बनती थी, जिसका एक्सटीरियर था, दैट इज स्टिल देयर 5000 ईयर्स लेटर। ये तो अभी जहां इस काबिल भी नहीं है कि स्कल्पचर बना सके पाकिस्तान में, लेकिन जो भी है ज्यादा 10-15 साल पुराना होगा। तो आप अंदाजा लगाइए लानत वो किसको दे रहे हैं और कहां खड़े होकर दे रहे हैं, जो टूटी फूटी जगह जो आज बनाई थी इन्होंने। तो ये तो बड़ा दुख की निशानी है। इसका मतलब कि कोई इनका फ्यूचर भी नहीं है इस सोसाइटी का, जो अपने पास्ट को, जो अपने हिंदुस्तानी ओरिजिन को इतना रिजेक्ट कर दे कि ये तो इट इज इनक्रेडिबल, आई एम स्पीचलेस। बिकॉज ये तो हमारी पहचान है सिंध की और सब पूरे पाकिस्तान की, और इससे इतनी नफरत और इस तरह के का बिहेवियर हम क्यों देखते हैं? ये इनको क्या पता नहीं है सिविलाइजेशन का, पढ़ाया नहीं गया है? क्योंकि मैंने तो पढ़ाया स्कूल में, मुझे तो पढ़ाया गया है। लेकिन आपको अपनी सिविलाइजेशन कह के नहीं पढ़ाया गया होगा। आपको जहां हमें मोहनजोदारो के बारे में पढ़ाया भी था, वो एज अ टूरिस्ट स्पॉट या एज अ हिस्टोरिकल प्लेस, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं था। मैं थोर हाइडल एक एक्सप्लोरर थे, कॉन्टिकी एक्सपीडिशन जिसे आप कहें, जिन्होंने अटलांटिक भी क्रॉस किया था, फिर एक राह वन और राह टू इनकी बोट्स थी, एक टाइग्रिस की किश्त नामी किश्ती जिसपे कोई 20 साइंटिस्ट थे, सबकी मादरी जबान अलग थी, वो आए थे आई थिंक इन दी अर्ली 70s टू दे गॉट स्ट्रैंडेड इन बलूचिस्तान। वो कराची भी आए थे, वो रास्ता कर रहे थे बसरा और अफ्रीका के बीच में, तो वो फिर लैंड करके वहां से बाय रोड गए थे मोहनजोदारो। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ था, एंड दैट उनके थ्रू आई लर्न मोर अबाउट मोहनजोदारो देन आई डिड फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक्स आर आवर हिस्ट्री। थोर हाइडल वॉज दी वन हु वॉज एक्सप्लेनिंग टू एवरी वन एल्स। तो हम क्योंकि पीटीवी के रिपोर्टर्स थे, आई वॉज ऑल्सो स्ट्रक के वॉट ही सेइंग कि ये सिविलाइजेशन कनेक्टेड थी बिटवीन द इंडियन सिविलाइजेशन और आप लेटर सिविलाइजेशन इन दी आप बसरा एरिया या उस इलाके को कहेंगे या ईस्ट अफ्रीका में क्या था। तो अपनी एक बनावटी ओरिजिन बनाने के लिए कि हम को टर्क्स हैं या अरब हैं, इसमें हम अपनी 5000 साल पुरानी पुराने वजूद को मिटा के एज इफ नथिंग, वी हैव बिकम एब्सोल्युटली नथिंग एंड वी आर नथिंग अनलेस एंड अंटिल वी रिकॉग्नाइज के हमारा तो हिंदुस्तान जो है इंडस से नाम है, और वो इंडस इंडस या सिंधु दरिया वो पाकिस्तान में बहता। आप कहाँ कहाँ अपनी हैसियत को काटेंगे हिंदुस्तान से, जो दुनिया की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन, दुनिया को डेसिमल का नंबर जीरो क्या कुछ नहीं दिया है इंडिया ने, चेस को आप सोचिए इजाद किया, उसको रिजेक्ट करने में ये एक्टिंग करते हैं कि ये कोई अरब हैं, अरब इनको जूते मारते हैं, फिर ये तुर्क बनते हैं, ये बगैर सोचे हुए कि टर्क्स ने आके आपको मारा था। टर्की में आज भी आपको गंदी समझा जाता, आपका रंग ऐसा है। तो ये खुद अपने आप से नफरत का इजहार है। तो जो लोग अपने आप से इतनी नफरत करते हो कि अपनी माओं को अपने अबाउजदाद को रिजेक्ट करते हो, वो कुछ कर नहीं सकते दुनिया में। फिर सर आपने क्या देखा जब आप गए थे मोहनजोदड़ो? आप जैसे कह रहे हैं आपने विजिट किया था, क्या क्या देखने को मिला आपको, आपको क्या लगा वहां जाके? यू आर awestruck बाय हाउ ओल्ड इट इज। एक मैं आपको और वाक्य बताऊं, मैं कई दफा गया हूं मोहनजोदड़ो बिकॉज आई वॉज विथ पीटीवी। एक दफा यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन मिनिस्टर जी थी मार्थस, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनको लाड़काना एयरपोर्ट पे लैंड करके, ये जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर का जमाना है, तो वो जिस सड़क पे हम जा रहे थे मोहनजोदड़ो,
वो ये समझी कि हमने पूरा रास्ता मोहनजोदड़ो टाइप का बनाया हुआ है. और उन्होंने कहा इट हैज बीन सो वेल डन दे यू हैव. उनको बताया गया नहीं मैडम, ये दिस इज एग्जैक्टली हाउ पाकिस्तान इज. ये आपके लिए नहीं कि ये गधा गाड़ियां जो जा रही हैं, बैलगाड़ियां और लोग जमीन पे पैदल चल रहे हैं, ये एक्टर्स नहीं है, दिस इज आर रियलिटी. उनको लगा पूरा माहौल बनाया उनके लिए. माहौल बनाया हुआ. उनको ये नहीं पता कि 5,000 साल पहले जो हालात थे उससे अब बदतर हैं. वो लोग सोचते थे ये लोग सिर्फ लूटते हैं, उनको तलवार की जरूरत नहीं थी, इनको तलवार के बगैर इनका वजूद नहीं है कोई. ये गला काटने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं. आपके तो बड़े बड़े शहरों पर कब्जा किया हुआ है इन लोगों ने. तो शी वॉज टेकन अबैक एंड क्वाइट एम्बेरस्ड. लेबर पार्टी विल्सन, प्राइम मिनिस्टर विल्सन की गवर्नमेंट थी उस वक्त, मुझे याद है. बट वी वर एम्बेरस्ड, शी वॉज एम्बेरस्ड. वो जो मेरा कैमरा मैन था कह रहे नो मैडम नो. अरे मैं कह रहा तू चुप कर जाना जी, किसने कहा और एम्बेरस करने के लिए. सो वी हैव नॉट गॉन बियॉन्ड दैट. बट योर क्वेश्चन वॉट यू फेल्ट वॉज दैट आई फेल्ट एम्बेरस्ड कि मुझे कोई नॉर्वे से आके को बता रहा है कि ये क्या सिविलाइजेशन है. और बात है थोर हार्डल वॉज worldly figure and a great archaeologist and everything. Unske saath jo log the, they were from Soviet Union, Poland, Italy, Italian the, French the. Ek hi kishti mein gaye the, wo Basra se Karachi hote hue Eritrea ke paas, aur kyunki wahan jang ho rahi thi, in protest unhone apni kishti ko aag laga di thi. इतनी बड़ी आपके पास ये ऐसी है कि सोने की अंगूठी हो और आप कोला ढूंढते फिरे कि यार कैसी जगह है, यहाँ कोला नहीं है, जिधर देखो सोना ही सोना है. दैट इज ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. इनको पता ही नहीं हम पाकिस्तानियों को कि हम कौन है. सर मगर ये क्या थी ये सिविलाइजेशन, आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा बताएंगे कि इट वाज 4,000 एटलीस्ट 2,500 BC के जमाने में. ये इसके कई एस्पेक्ट्स हैं. कुछ कहते हैं कि जब एरियन इन्वेजन हुई तो वहां से ये रिबेडियंस निकल के साउथ में गए और वहां फैली फिर इंडियन सिविलाइजेशन. सम पीपल रिजेक्ट द एरियन थ्योरी. वो कहते हैं कि उसको डेवलप किया गया बाय द वेस्ट टू से इन्वेजन ऑफ इंडिया इज नॉट अ न्यू थिंग, कोई भी आ सकता है लूटने के लिए. बट ये I'm not an archaeologist as such, but it shows that people lived in homes that had at times 6 bedrooms. Dekhen bathroom aur kitchen ka alag hona, granaries ka wahan hona, gehun kahan se lana hai, kidhar store karna hai. Ek Hindustan ki taraf aisa hi chhota shehar hai, wo ravi से ग्रेनरीज सारी जितना गेहूं आता था ऊपर से उसको स्टोर करते थे. इनको फ्यूचर का तो पता था, प्लानिंग का पता था. ये यानी एक चीज का एहसास जो होता है कि हम गए गुजरे इतने नहीं हैं कि हमें कोई तुर्क या अरब या अंग्रेज आके या कोई ईरान या अफगानिस्तान से आके ढंका बनाए. हम सिविलाइज्ड लोग थे जिनको बर्बाद किया इन्वेडर्स ने. दैट इज द इफेक्ट आई वाज लेफ्ट विथ. क्या जब बाहर का आदमी को आपको आके बताए इतनी एंशिएंट, आप बताइए 5,000 साल पहले सड़कें होना, वहां माउंड्स हैं, वहां वर्शिप की जगह थी. यू नो उसकी जो लिखाई है आज तक ट्रांसलेट नहीं हो सकी है कि उनके मीनिंग्स क्या हैं. बट आपने देखा होगा द डांसिंग गर्ल, वो जो स्टैचू है लड़की का, yeah that bearded man, they leave a very profound effect on you. ye hamare ancestors the, yani ancient. All of us perhaps come from the river Indus, tabhi hum sindhu ya hindu ya hindustan ye sab kehte hai na. wo aur baat hai ki ek
अंग्रेज के एक वकील ने उठा के काट के पंजाब को आधा किया और सिंध को अलग कर दिया हिंद से। अब सिंध को आप हिंद से कैसे अलग करेंगे? ये तो हो गया, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप फ्रांस के बॉर्डर काब कर रहे हो और साउथ का पूरा हिस्सा स्पेन में डाल दें और वो कहने लग जाए कि हमारा क्या फ्रांस से ताल्लुक है। यू नो देयर आर मल्टीपल ट्रेजेडीज दैट यू सी इन मोहनजोदारो। हम देखना नहीं चाहते, हम वी आर फ्लिपेंट, हमें इर्तुगाल दिखा दो, हमें मोहनजोदारो से कोई नहीं है। तो हमने कभी सेलिब्रेट ही नहीं किया आपने मोहनजोदारो को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, बल्कि मुझे एग्जैक्टली लोकेशन याद नहीं आ रही कि केपी के था या सिंध, लेकिन कुछ मंथ्स बैक जो है इनको एक कहीं से खुदाई में एक ममी जैसे होती है ना इजिप्शियन, वो इनको मिला था और इन्होंने तोड़ दिया था उसको वहां पे जिन्हें, तो इट वाज हाँ बुद्धिस्ट था। हाँ हाँ बुद्धिस्ट स्टैचू। ये पूरा एरिया एक जमाने में कंदहार भी, कंदहार जो है वो इस हिंदू गॉडेस, ये कंदहार से लेके पिशावर ये पूरा एरिया या बुद्धिस्ट या हिंदू रहा है। वो ठीक है, सबकी मर्जी, अपना अपना धर्म चुने, लेकिन ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये अपनी धरती से हमको उखाड़ने के लिए जिन लोगों ने हम पे हमले किए, बर्बाद किया हमारी सिविलाइजेशन को, वो हमारे हीरो तो नहीं हो सकते ना। कम अज कम इतनी तो समझ हो जानी चाहिए कि वी आर नॉट नीडी ऑफ एनीवन एल्सेस हेल्प इन हु वी आर एज अ सिविलाइजेशन। दुख की बात है कि 23 मार्च को इर्तगाल का एक कॉमेडी एक टीवी कैरेक्टर को हम हीरो बनाए। जस्ट इमेजिन हमारे में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में एक दफा भी मोहनजोदारो, अच्छा टेक्सिला भी नहीं जाते। हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये, हमारी आंखों के सामने है और हम डिनाई करते नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम सैयद अब्बास नकवी और जैदी हैं, कहां से आए? लेकिन सर बहुत सी कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, जिन्होंने अपने पुरानी सिविलाइजेशन को भी जिंदा रखा हुआ, अपनी पुरानी बिल्डिंग्स का बहुत ख्याल किया है उन्होंने। अगर जाएं तो उनको आपको कई कई सौ साल पुरानी बिल्डिंग्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, या कोई भी, कराची में बहुत सी पुरानी बिल्डिंग्स थी जो जिसको ये रख सकते। देखें यूरोप में तो कुछ था ही नहीं। हम जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया, चाइना, ये सुमेरियन सिविलाइजेशन, दीज आर दी ओल्डेस्ट वंस, या ग्रीक तो बहुत बाद के की बात है। उनको इतना पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है, उनका प्रेजेंट इतना सिक्योर है कि दे आर कंफर्टेबल विद व्हाट एवर यू वांट टू बी। ये उन्होंने दिए हैं राइट्स कि आप फ्रांस में जाके किसी का कत्ल कर दें और फिर भोपाल में आके उसके खिलाफ जुलूस निकालें और रावलपिंडी में क्या फ्रेंच एम्बेसडर को निकालना। ये दीवाने पागल किस्म के शॉर्ट साइटेड, जिनकी सोच ना हो, ये उन लोगों की हरकतें। एक एक स्टडी ऑफ द पास्ट को हराम कर देना, कि जैसे आपने वो बताया कि हिंदू के घर गए तो दूसरी दोस्त कह रही है कि नहा के आना मेरे घर में, पाक होके आना। कैन यू इमेजिन दैट? ये किस कदर, ये कैसे लोग हैं? हम दूसरे को कुछ पट्टी पढ़ाएंगे? यानी वो सिविलाइजेशन जिसमें ना इंक है, ना कागज है, ना स्याही है, ना को पढ़ सकता है, ना उसका अल्फाबेट है, उसको हम कह रहे हैं इनलाइटनमेंट। और जहां दुनिया की एडवांस सिविलाइजेशन सूची सिक्स इस्लाम सेवन सेंचुरी का है, तो उस वक्त तो गुप्ता डायनेस्टी अपने एंड पे थी। तो हमें आइडिया ही नहीं है कि हाउ टू गेज और हाउ टू डिस्कस, हाउ टू अंडरस्टैंड कि आपका मुसलमान होना ठीक है, आप जो भी चूज करें, लेकिन आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ज़ोरास्ट्रियनिज्म से, जो दुनिया का सबसे पुराना मजहब है जिसमें एक खुदा की बात हुई है ना। दे आर डाइंग, और कैसे खत्म हुए कि मुसलमानों ने आके ईरान में किसी को छोड़ा ही नहीं, सब जो भागे भी वो इंडिया में पनाह ली ना।
आके बंबई में जाके जिन्होंने मारा उनको वो भी वहीं आए, जिन्होंने जिनको तबाह कर दिया वो भी वहीं आए, आए कहां हिंदुस्तान, जहां हर एक ने कहा ठीक है तुम्हें भी हम बर्दाश्त कर देंगे। उस सिविलाइजेशन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, और कौन सी सिविलाइजेशन को हम एम्ब्रेस कर रहे हैं जिसने मुल्कों के तबाही मचाते हुए, यानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन तबाह की, पर्शियन सिविलाइजेशन तबाह की, आप घुस गए फिर नॉर्थ अफ्रीका से यूरोप के अंदर, वो तो फ्रांस में एक ऊपर के बॉर्डर पे जाके उनको रोका गया इन द 8th-9th century, तो कुछ बचत हो गया, बाद में निकाले गए वहां से। लेकिन हम ये समझें कि हमारी सोच जो है वो जाके वियना में 17th century में 9/11 के दिन जाके, खैर वो ख़त्म हुआ और तुर्कों को वापस भिजाया और उनके जो किराए के फौजी थे वो दे हैड टू रिट्रीट, बट वी आर ऑब्सेस्ड विथ इम्पोजिंग प्रिमिटिव कल्चर ओवर एडवांस सिविलाइजेशंस। ग्रीस में आप 200 साल तुर्की ने हुकूमत की है, क्या फर्क पड़ गया ग्रीस को जब 200 साल बाद उनको निकाल के बाहर किया। अभी 200th इंडिपेंडेंट एनिवर्सरी हुई पिछले महीने ग्रीस की फ्रॉम टर्की, हमें एहसास ही नहीं कि आपने किसी और का मुल्क पर कब्जा किया हुआ और आपकी फिर भी नहीं चली, आपको वहीं आना पड़ा जहां आपके थे और वहां पे भी अभी तक बताइए क्या कत्लो गारत हो रहा, आर्मीनियंस की मैसेकर चल रहा है। तो मोहनजोदारो ये इंडियन सिविलाइजेशन का ये था कि लड़ाई और जंग का उनसे ताल्लुक इतना नहीं था जितना उनका पढ़ाई और हर चीज को समझने का। अभी ये कुंभ मेले पे मैं जैसे आप देखें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये जो हरिद्वार में इंडिया में हो रहा, बेवकूफी कर रहे हैं, लेकिन उस सिविलाइजेशन को तो पता ना जुपिटर हर 12 साल बाद अर्थ के ऑर्बिट में आता, एक सिविलाइजेशन वो है, दूसरी है वो कह रही है कि सूरज रोज रात को मिट्टी के दलदल में जाके डूब जाता, एंड वी आर ट्राइंग टू से कि दिस इज बेटर मोर एडवांस देन द सिविलाइजेशन दैट वाज आवर्स एंड वी न्यू दैट जुपिटर कम्स एवरी 12 years। एक यानी आप इसके आगे जाके रोएंगे, वी आर बीइंग रूल्ड बाय Idiots would be a very polite word। बड़े dangerous किस्म के लोग जो समझ रहे, जिनका view of humanity इतना primitive है कि वो, जैसे वो आपने कहा कि सिवाय हूरों के उनके जहन में कुछ आता ही नहीं, कुछ और है तो बता दें सर, ये तो यही बताते रहते हैं। लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आपसे एक चीज, एक बात और पूछूं, मैं आपको एक छोटा सा एक जोक बताना चाहूंगी जो मैंने खैर एक वीडियो में भी कहा, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो कहते हैं कि एक पागलों का गांव था, उसमें सारे पागल ही रहते थे। तो उन्होंने कहा क्या किया, उन्होंने कहा हम अमेरिका को तबाह कर देंगे। अच्छा। उन्होंने गोला बारूद रख के बम बनाया और उसको जला दिया, उड़ा दिया उस बम को ना। हाँ। तो उससे आधा गांव उड़ गया और जो सरदार था उनका वो भी दूर जाके गिरा। तो हाँ। फिर वो उठा, उसने कपड़े झाड़े और उसने कहा कि देखो हमारा ये हाल हुआ है तो अमेरिका का तो पता नहीं क्या हाल हुआ होगा जिसपे हमने बम चलाया है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो अभी ये मौलवी निकले हुए हैं वो यहाँ पे लोगों की मोटरसाइकिल्स जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, एम्बुलेंसेस जला रहे हैं, और वो अभी भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, और आज भी लाहौर में ये सब कुछ हो रहा है। और उस पे वो ये समझ रहे हैं कि शायद वो फ्रांस को कोई तकलीफ दे रहे हैं, तो उन्होंने अपने ही लोगों की सारी चीजें जला दी हैं। आज 2-3 लोग आज भी मारे गए हैं, पुलिस भी फायरिंग कर रही है इधर से, मौलवी भी शोर मचा रहे हैं उधर से, उनके अपना एक चल रहा है तमाशा। और मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सख्ती से मना कर दिया गया है, कोई न्यूज नहीं देनी है। अब वो सोशल मीडिया ही रह जाता है, उसी पे न्यूज आ रही है और लोग बता रहे हैं। मोबाइल्स के जो कहना चाहिए, जो इंटरनेट जो मोबाइल पे चलता है वो बंद कर दिया गया है, और मोबाइल सिम्स को इस तरह से कर दिया गया कि बार बार वो ऑफ हो जाती हैं। लोग ये भी लाहौर से लिख रहे हैं कि मोबाइल डाटा काम नहीं कर रहा। तो ये इतने जाहिल किस्म के लोग कि अपनी ही चीजें जला के समझ रहे हैं कि वो जो हजारों मील दूर फ्रांस है उसे कोई फर्क पड़ रहा होगा।
अच्छा मुझे बिल्कुल, मैं समझ रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा, पूरा अमन अमन वापस आ गया लाहौर पिंडी की सड़कों पे। नहीं, पिंडी पे कहीं तक आ गया लेकिन लाहौर अभी भी बस उसी तरह। हाँ, जब तक जला के राख नहीं करेंगे इनको चैन नहीं आएगा, क्योंकि लाहौर की सिविलाइजेशन भी बहुत एंशियंट है। लेकिन सर आपको लगता नहीं ये इन्होंने खुद पाले हैं, ये इन्होंने खुद पैदा किए हैं ये जनूनी और जिहादी? मैं एक बात कहूं, चाहे ये पाले या ना पाले, जब आप टू नेशन थ्योरी में बिलीव करते हैं कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते, तो आप फिर किसके साथ रह सकते हैं? आप उसी के साथ रहेंगे ना, क्योंकि आपके माँ बाप तो हिंदू ही सब थे ना, कोई औरतों की आर्मी तो नहीं आई थी बाहर से जिनसे शादी की हमारे गाजियों ने। माएं तो सबकी हिंदू हैं, चाहे मोस्टली हमारे जैसे लोग जो हैं वो तो राजपूत हिंदू से कन्वर्ट होके पंजाब में मुसलमान हुए हैं, नॉट इवन 1840 या समथिंग लाइक में, लेकिन 100% लोगों की माएं हिंदू थी। तो ऐसे लोग, उनको क्या समझ नहीं आता कि बच्चे नहीं पैदा होते बगैर औरत के? और कहां औरतें तो लेकिन साथ में नहीं आए थे, वो तो छोड़ आए थे तो तुम पीछे, क्योंकि वहां जो थे अरबिस्तान और वहां लोग चार चार शादियां कर रहे थे, तुमने यहां से आके पकड़ी। अब कैसे इनको समझाएंगे आप, जब आपने टू नेशन थ्योरी और जिना साहब को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अपनी तबाही अपने हाथों से लिख दी। ना उस शख्स का पाकिस्तान से ताल्लुक था, ना कभी वो बोला, ना पाकिस्तान की किसी जबान आती थी उससे, गुजराती सिर्फ वो गांधी से जी से बात करता था, क्योंकि उसे शर्म आती थी कि उसे गुजराती बोलनी पड़ती है, वो घटिया समझता था इन जबानों को। वो आपने बना दिया पाकिस्तान, लाखों को मार के फिर बांग्लादेश बनाया आपने, अब आप बलूचिस्तान पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं डेली, वहां 50,000 बलोच जो हैं भाई हमारे, दे हैव डिसअपीयर्ड, उनकी माएं और बच्चे बीवियां जो हैं दे आर ऑन द स्ट्रीट सेइंग कहां गया। इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दिया जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्सिबली डिसअपीयर्ड, यानी बंदा गायब, यू डोंट हैव टू इवन प्रोड्यूस हिम इन कोर्ट, आपको तो आप सिर्फ बंदे को गायब कर दें, किडनैप कर दें, उसे टॉर्चर करें। वो एक किसी ने वीडियो भेजी कि वो साद रिजवी साहब को फटके पड़ रहे तो हंस रहे हैं लोग। मैंने कहा ये तो दिस इज गोल्डन ट्रीटमेंट ऑफ पुलिस, जिन लोगों को उल्टा टांग के और विदाउट रजिस्टरिंग द केस, दैट मींस यू कैन कीप देम फॉरएवर बिकॉज़ दे डू नॉट एग्जिस्ट। उसको हम बात समझ रहे हैं कि ठीक हो जाएगा या कभी हो, ये कभी ठीक हो ही नहीं सकता बेटा। ये मैं आपको बता दूं कि वंस यू आर ऑन द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड किलिंग, आप देखिए रमजान में ही बना है पाकिस्तान, और रमजान ही के महीने में आपने कम से कम 10 लाख लोग पाकिस्तान में जो हिंदू सिख थे उनकी गर्दनें काट के उनको उस पार भेजा, या उनकी लड़कियों को पकड़ के जबरदस्ती मुसलमान किया, उनसे शादियां की। तो ये हमारी हरकत, वी वर बॉर्न इन इन इन्फमी, कत्ल गारत। बड़ा रमजान की बात करते हैं कि बड़ा पुरमन महीना होता है, जब भी जंग छिड़ी है रमजान में छिड़ी है, जब भी कत्लेआम होता है रमजान में, कहते हैं अल्लाह पाक पाक महीना है, इसके अंदर जो मरेगा वो पता नहीं डिलक्स जन्नत में जाएगा, निकल पड़ते हैं जियाले। सबसे ज्यादा सर चोरियां ये रमजान में करते हैं, सबसे ज्यादा महंगाई रमजान में होती है, सबसे ज्यादा दो नंबरियां जो होती है ना वो सारी कुछ ये रमजान में कर रहे होते हैं। तो दैट करें या ना करें, गुडनेस से ये तो ना कहें कि मैं हूं आप घोड़े की नस्ल से और कहें मैं हूं एक्चुअली गधा। ये दुनिया के वाहिद लोग हैं जो अपने आप को खुद डिफाइन करते हैं कि हम कचरे में, उनको महल से निकाल के वो कहते हैं ये नहीं है हमारा, हम तो वो हैं जो महलों की सफाई करने के लिए आए थे यहाँ पे। तो करो भाई, अपनी जो हैसियत है उस पे लगे रहो, तो तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम तो तुर्कों के पीछे लगे हो। देखिए अरब्स ने भी एक सिविलाइजेशन क्रिएट की ना, और उसमें भी जितने बड़े इनके अरब फिलोसफर्स थे दे वो बॉर्डर लाइन एथियस्ट। इब्ने खुलदून को देख लीजिए, इब्ने रुश्द को देखिए, ये लोग जो डाउट करने वाली सोच है जिसमें
जिस कल्चर में आपको शक की इजाजत है उसमें इंटेलेक्ट बढ़ता है, जहां आप पे तय हो जाता है कि अब तो तू सोच नहीं सकता, वो खत्म हो जाते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज हैपेंड टू पाकिस्तान, कि हमारी अपनी जिंदगी में वी वुड इवन हैव डिबेट्स ऑन इज देयर अ गॉड और नॉट। आई रिमेम्बर वो डिबेटिंग सोसाइटी को क्या कहते थे, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, इस टाइप की डिबेट्स होती थी। आई रिमेम्बर स्पीकिंग ऑन अ टॉपिक इज देयर अ गॉड और नॉट, और लोग दोनों साइड पे होते थे, एंड में वोटिंग होती थी, ये सब कुछ। दिस वॉज डन इन कराची यूनिवर्सिटी। आज वो एक आपके पाकिस्तान से ही हैं, वो भी यूट्यूब होस्ट हैं। शी सेड कि आई वेंट टू कराची यूनिवर्सिटी, आई वाज शॉक्ड, इट लुक लाइक अ सी ऑफ ब्लैक क्लॉथ। हर लड़की ने सर ढुकाया हुआ है, वो अरबी अबाया पहना हुआ है, जिसका जिक्र तक नहीं है, कभी किसी ने देखा नहीं था, हिजाब वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता था, दुपट्टा होता था, वो खत्म करके अजीब उस रास्ते पे चल निकले कि इट इज, मैं नहीं समझता किससे कोई ठीक रास्ता निकल सकता है जब तक के लोगों को ये एहसास ना हो कि वो अपनी माओ की इज्जत करें, अपनी सिविलाइजेशन को करें। देखिए, मोस्ट पंजाबीज नेवर स्पीक पंजाबी एवर ऑन टेलीविजन, कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कभी सिंधी तो उसको शर्म तो नहीं आती सिंधी में बात करने की, या पश्तो में बोलने वाले, ऑल पश्तून पॉलिटिशियन स्पीक इन पश्तो, बलोचिस्तान में भी। पंजाबी जो है वो इतनी बुरी उर्दू बोलता है, लेकिन बोलेगा वही उर्दू। इस कदर उर्दू का मजाक उड़ता है पाकिस्तान टीवी में, कई हमारे इंडियन दोस्त जो हैं वो देखते हैं पाकिस्तान के शो ये पंजाबी उर्दू सुनने के लिए, और कह के लगा के अजीब जबान बना दी है। तो नोबडी नोज हू दे आर। जिस दिन आपको पता, आप एक्सेप्ट करेंगी कि आप कौन है, आपका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, आप इस हिंदुस्तानी नॉमिनक्लेचर से आप भाग नहीं सकते, आप सिंध दरिया और रावी पे पैदा हुए हैं, वो चोला डायनेस्टी नीचे तमिलनाडु वाले वहां से नहीं पैदा हुए, वो हिंदुस्तानी है और आप नहीं है, ये कैसे हो सकता सर? एक चीज, वी आर ब्लाइंडेड एक्चुअली, और हम मानने के लिए भी तैयार नहीं, हालांकि हमें हर तरफ से लोग बता रहे हैं, लेकिन हम मानने के लिए भी तैयार नहीं, हम कहते नहीं, नहीं है ना? वही गलत है, पढ़ते भी नहीं सर, मानते भी नहीं सर, आपको भी सुनेंगे लेकिन मानेगा कोई नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ के लोगों का ये प्रॉब्लम है। एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी आदर्श कावस जी की, आप जरूर जानते होंगे, मैं उनसे मिली थी, मेरे ख्याल है 10-12 साल पहले, जब मैं तो जाया करती थी कराची, तो मैं कावस जी से जरूर मिलती थी। तो वो मुझे कहने लगे, उस टाइम पे 10 साल पहले की बात है शायद, तो वो कहने लगे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और आफ्टर 25 इयर्स ये एक फेल्ड स्टेट हो जाएगा। मैं उसके एक आध साल के बाद लाहौर गई, तो मेरी हसन निसार साहब से मुलाकात हुई, मैंने हसन निसार साहब से बताया, तो वो कहने लगे हाँ वो कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन टाइम ज्यादा बता रहे हैं। तो अब उनका ख्याल था कि 25 साल से भी पहले ऐसा कुछ हो सकता है। अभी मैं आपको एक न्यूज दिखाती हूँ जो पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए बहुत कहा जा रहा है, मतलब पिक्चर दिखाती हूँ, जिसमें ये कहते थे कि हम पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, जो दुनिया के चौथे नंबर पे सबसे बदतरीन पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का हो गया है, उसके लिए पता नहीं अवार्ड किसको देना है और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस किसको मिलेगा वो नहीं पता। लेकिन ये कंडीशन देख के आपको क्या लग रहा है कि आज का पाकिस्तान अब किस तरफ बढ़ रहा है, और आजकल भी जैसे जो सिचुएशन चल रही है लेटेस्ट, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब तक आपका पासपोर्ट रिफ्लेक्ट करेगा पाकिस्तानियों को, तो आपकी कहीं इज्जत नहीं रहेगी। अगर लोगों को पता हो कि भाई यहां से आने वाले लोग जो हैं वो सोचने वाले, मेहनत का शेंक, आपको इंडियंस हमारे जैसे ही हैं, उनको ये रिजेक्शन तो नहीं फेस होती ना, वहां तो 29 स्टेट्स हैं, 400 बोलियां, हर टाइप का आपको एक्सेंट मिलता है, कई तो बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन दे आर कंफर्टेबल, दे आर लॉ अबाइडिंग, एंड नहीं थोड़ी बहुत
हमारे यहाँ भी स्कैंडल चले हैं, कुछ इंडियन बहुत पैसा खा गए, कई मिलियन एक इंडियन फैमिली गवर्नमेंट का पैसा खा गई, थोड़े बहुत तो हमारा असर उन पे भी होता है ना, तो दैट इज ऑल देयर, बट द इंडियन पासपोर्ट और द बांग्लादेशी पासपोर्ट इज नॉट रिजेक्टेड द वे पाकिस्तान इज आ. इसमें कई वजह है, एक तो फॉल्स पासपोर्ट फॉल्स वीजाज में आपकी एक्सपर्टीज मानी जाती है, दूसरी चीज ये आपका पासपोर्ट सही भी हुआ तो आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे एज अ विजिटर. यहां जितने जनरल्स आए हैं कनाडा में, उन्होंने घर भर बना के सिटीजनशिप लेके वापस चले गए हैं, वी नो मोस्ट ऑफ देम, उन्होंने बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, ये अब एवरीवन नोज कि बीमारी जो है एक्सट्रीमिज्म की वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने खुद क्रिएट की है. जब एस्टैब्लिशमेंट की फिगर्स आपके मुल्क में आ रही हो तो आप ख्याल नहीं रखेंगे कि कौन आ रहा है भाई. पाकिस्तान इस वक्त इज द वर्ल्ड नंबर वन स्पॉन्सर ऑफ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म. ये समझ रहे हैं इन्होंने अमरीकियों को बेवकूफ बना लिया है और अब ये घुस जाएंगे अफगानिस्तान में और वहां तबाही मचाएंगे. ये मुमकिन है, बल्कि लॉजिकली पाकिस्तान का रिएक्शन ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो उम्मत की वो है ना ठेकेदार, इनको पाकिस्तान या पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर क्या हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है, इनको फिक्र होती है फलस्तीन की, इनको फिक्र होती है पता नहीं दूर दूर कहीं कहीं जाए इनके मसले हैं, इनको कभी फिक्र नहीं होगी कि हिजाज पे नजद का कब्जा है. फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं समझता कि देयर इज एनी पाकिस्तानी हु इवन नोज दिस और हैज एवर थॉट कि जो रसूलुल्लाह की रियासत का इलाका हिजाज था उस पर नजद ने कब्जा कर दिया 1926 में, मक्का में कत्लेआम, ताइफ के अंदर, जद्दा के अंदर, सब को शरीफ खानदान को लेकर आपने जॉर्डन दे दिया. उन्होंने कहा चल भाई तुम आप लोग यहाँ बैठ जाइए, यहाँ लड़िए, वहां भी लड़ाई हो रही है. तो देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ सेंट्रल कैरेक्टर और अ बिलीफ सिस्टम और एनीथिंग, यू विल ऑलवेज बी नंबर टू थ्री टू सम अदर थिंग. इंडिया अगर इंडियन सिविलाइजेशन की, तो इंडिया तो बहरहाल है ही है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, उसमें आता है, वहां पे भी आप नंबर फोर आएंगे, आप अरब भी नहीं कहलाएंगे, अरब के ड्राइवर्स जरूर समझे जाएंगे, अरब का नौकर आप समझे जाएंगे, आप तुर्क भी नहीं है. तुर्क कहता है इतने काले रंग के लोगों को हम तुर्क बनाएंगे, लानत है, तो आपको आपका घर का नौकर समझता, कौन आपकी रिस्पेक्ट करेगा जब आपका एक नोबेल प्राइज विनर है और उसको आपने दफनाने नहीं दिया, उसको कह दिया ये मुसलमान ही नहीं है, ये कौन होगा? अक्लमंद जरा भी होगा तो आसपास के लोगों भी कहता है ये हमारा है ना, कि ही इज वन ऑफ अस. आपके अंदर का आदमी जीत जाता है, आप कहते हैं ये नहीं, गेट आउट प्लीज, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम नोबेल प्राइज साइंस में जीत सकें. मैंने कल सर देखा इंटरनेट पे बीबीसी की वेबसाइट पे और वहां पे उन्होंने कहा, एक आर्टिकल था और उसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज के लिए बदतरीन मुल्क है, और उसमें उन्होंने जो अहमदीज हैं उनका जिक्र किया था कि वो मरने के बाद भी उनको नहीं बख्शा जाता, भी थोड़े दिन पहले भी उनके ग्रेवयार्ड में जाकर तोड़फोड़ मचाई गई और उनकी कब्रों को तोड़ दिया गया. तो वो इस चीज के ऊपर भी कोई हमारे यहाँ कोई बात नहीं करता, किसी की हिम्मत नहीं होती कुछ कहने की, और वो बेचारे जब तक जिंदा रहते हैं तब भी वो दबे दबे से डरे डरे से रहते हैं, और उनको मर जाने के बाद भी नहीं छोड़ा जाता और उनकी कब्रें इस तरह से तोड़ दी जाती हैं. तो यहाँ पे क्यों ये एक तरफ से वही जैसे बात आ जाती है कि क्या ये वाकई में ये फेल्ड स्टेट की तरफ जा रहा है, और दूसरा कि ये ह्यूमन राइट्स वाले क्यों नहीं बोलते, इनको कुछ कहा क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक मैं बात आपको बताऊं, जैसे कनाडा है, यहां आपको अहमदी सबसे ज्यादा प्रो पाकिस्तान मिलेंगे. जिस तरह 10,000 पाकिस्तानी एंग्लिकन क्रिश्चियन इस वक्त थाईलैंड में बैठे हुए हैं रेफ्यूजीज, यहां जब यहाँ टोरंटो में बात होती है तो वो इस कदर ऑपरेशन है कि सबसे ज्यादा ऑपरेस्ट जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम अपनी पेट्रियोटिज्म दिखाने आ जाते हैं. नहीं जी, है तो फिर साडा पाकिस्तान ना, हाउ इज इट? ये एक आप आयरनीज भी तो देखिए, टू कम्युनिटीज वर 100% बिहाइंड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, द अहमदीज
and the Anglican Christians. Both are rejected by Pakistan as garbage. In fact, the only place that voted for Pakistan was Bengal, which said goodbye to Pakistan. So it is a failed state by any means. Na iska koi provision hai, na iska koi vision hai, na iski justification hai. Aapne two partition kya kaise? Punjab ko hi aapne divide kiya na? Ki inko danger ye laga ki yahan to Hindu, Musliman aur Sikh aur Christian ek zaban, ek culture ke andar reh rahe hain. This is a dangerous place. This represents all of India. Unne kaha isko divide kar do. Angrez ne kaha, Jinnah sahab ne kaha, no problem. Theka de de aap mujhe, main aisi taisi karke rakh dunga. August 16th, 1946, एक साल पहले डायरेक्ट एक्शन डे था जिसमें कलकत्ता में हर गली पे लोगों को कत्लेआम किया मुसलमान गुंडों ने. तो ये सिर्फ हमारी बात नहीं कि हम जो जो पाकिस्तान में जिन पे ज्यादती होती है वो कुछ नहीं बोलते. आप इंडिया में देखें 1946 अगस्त 16 का कोई मेमोरियल नहीं है. कलकत्ता में ढूंढता ही रह गया, किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हुआ. किताबों में सबको पता, ऑन द स्ट्रीट आपको नहीं. यू विल बी सरप्राइज के कलकत्ता में जो कम्युनिस्ट पार्टी का हेडक्वार्टर है वो तक एक मुसलमान मोहल्ले में वो अपना झंडा हैमर एंड सिकल लगाते हुए जरा चुपके से वो मुजफ्फर अहमद बिल्डिंग है जो चिटगांव के पुराने कम्युनिस्ट थे उनके नाम पे है, लेकिन इट इज हिडन. आस पास पूरा मोहल्ला जो है वहां उर्दू में साइन लगा हुआ है सब. तो इट द ट्रेजिडी जो हुई है हमारे साथ वो हुई है पार्टीशन. जब तक बैल्कनाइजेशन नहीं होगी पाकिस्तान की, यानी ये नहीं कि कोई अखंड भारत की मैं बात करूं, जब तक ये नहीं होगा कि सिंध जो आजकल अपनी आजादी की मूवमेंट चल रही है वहां पे, ये बलूचिस्तान, ये अपने जैसे भूटान या दूसरे छोटे नेपाल मुल्क हो सकते हैं या सिलोन मुल्क हो सकता है, इनको वैसे होना पड़ेगा. पंजाब को जिस दिन होश आएगा कि इट इज अ लैंडलॉक प्लेस, उसके नेचुरल अलायंस बनेगा ईस्ट पंजाब के साथ जो आर्टिफिशियली इंड्यूस ISI भी करती है टू बी एंटी इंडिया, वो भी नहीं चल पाएगा ज्यादातर जब तक के इनको अपनी कंस्टेंट्स एज अ लैंडलॉक कंट्री समझ में आए कि हमको ऐसे दादागिरी नहीं है कि जिसको चाहे उठा पटक कर दें, क्योंकि पानी आ रहा है रिवर इंडस से. और जिस दिन अफगानिस्तान ने काबुल रिवर पे डैम बना दिया, आपका हुआ नल का बंद. जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी इंडिया ने, आप कुछ नहीं कर सकते. गिलगित बल्तिस्तान की आपने पॉपुलेशन बदलने की कोशिश की, उसमें आपका फेलियर हुआ. एक अंग्रेज फौजी अफसर ने उठा के पूरा गिलगित पाकिस्तान साइन ओवर कर दिया, वो कैप्टन ब्राउन थे, ये पाकिस्तान है, वो हो गया. तो ये ऐसी ज्यादतियां आप छुपा सकते हैं, अपने बच्चों से छुपा सकते हैं, बट एनीवन स्टडिंग दिस फिनोमेना विल से कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ फेल्ड स्टेट. इट इज अ फेल्ड स्टेट. और उसका कोज जी साहब अगर अभी जिंदा है तो उनसे पूछ लीजिएगा कि सबसे बड़ा एविडेंस है कि कराची के अंदर ज़ोरास्ट्रियन पॉपुलेशन गायब हो गई. देयर इज नोबडी देयर. कराची की गोन पॉपुलेशन खत्म हो गई. कराची में जो मारवाड़ी रहते थे वो भी खत्म हो गए. कराची की जबान थी गुजराती, वो खत्म कर दी आपने. कराची में मैट्रिक गुजराती जबान में होती थी 58 तक, यानी इवन 1960 तक मैट्रिक का एग्जाम गुजराती में होता था. इट इज गॉन, एवरीथिंग हैज बीन फिनिश्ड. गुरु मंदिर को आपने सबीर वाली मस्जिद कह दिया. लाला लजपत राय का नाम आपने ऐसा रखा कि मुझे भी नहीं पता, मैं तो सड़क पे मेरी पैदाइश थी. जैसे लायलपुर का नाम इन्होंने फैसलाबाद रख दिया और किंग फैसल कभी वहां गया नहीं. नहीं नहीं, अब ये भी ज़हनियत देखिए कि बजाय भगत सिंह के नाम पे रख देते या किसी और मुसलमान के नाम पे रखते जिसका ताल्लुक जंग आजादी से था. अगर जनरल लायल को हटाना था, आपने उठा के एक ऐसे सऊदी बादशाह का नाम किया जो आप पे थूकता भी नहीं है.
अब यहाँ पे तो सर सब लोग इतने ज्यादा डिवाइड हैं, हर कोई अपने अपनी वो कहते हैं ना डेढ़ इंच की मस्जिद रख के बैठा हुआ है। कि आज भी किसी ने बड़ा अच्छा सा किसी ने लिखा था ट्विटर पे वो जो है अल्लाह अकबर कहकर लोग जो मार रहे हैं उनको जो क्या नारा लगाते हैं, मतलब बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हैं उनको अल्लाह अकबर कह के उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। और उन्होंने कहा वो जो या अली मदद करते हैं वो साइड पे खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है। तो उनका ये तो हाल है उनकी यहाँ पे। नहीं, उनका भी अशर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जब आपकी बुनियादी सोच अगर फैंटेसी में है तो हम क्या सॉल्व करेंगे। आप जेन्युइनली लोग बिलीव करते हैं कि यहां से दुनिया से सफर होगा रॉकेटों के अंदर, जहां कोई एक जन्नत जगह है जहां बैठेंगे सब फिर मिलके। इट इज नॉट अ मेटाफोरिक। और वो तो आपने देखा था जैसे मेरा भी लास्ट वीडियो था जिसमें वो मौलाना तारिक जमील और कैन यू बिलीव इट कि उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ माशाल्लाह, से। बताइए ना, अगर ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है तो हम बेचारों का क्या आशर होगा। यानी वो एब्सोल्यूट नॉनसेंस बातें करते हैं कि आप देखें, वो क्या कहते हैं, 10 जोड़े पहने होंगे, उन जोड़ों के सौ अंदर सौ सोना दस ही भी नहीं, नहीं है, 100 जोड़े होंगे, और सौ जोड़ों में औरत, उसमें भी लुक एट सौ हिज परवर्ट एटीट्यूड, ही सेइंग कि इवन शी इज वेयरिंग 10 पेयर्स और 100 पेयर्स, आई कैन सी हर नेकेड। या खुदा, ये पढ़े लिखे लोग बैठे सुन रहे हैं, अच्छा ऐसा और हुआ। इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है और ये बहुत बड़े यहाँ पे पता नहीं क्या रिलीजियस स्कॉलर कहलाते हैं, ये हाल इनके दिन दिमाग ये का। आप भूल जाइए, जिस दिन पाकिस्तान विल बी डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, वो तो हिंदुस्तानियों की बेवकूफियां हैं कि वो कोई हमसे ज्यादा इतने जहीन नहीं है, वो भी इसी तरह पागल बन जाते हैं कि वो समझते हैं पता नहीं, अरे यार ये फिर कोई तैमूर ना आ जाए वहां से। इनको पता नहीं सब खत्म खत्म हो चुका है, यहाँ खाने पीने को नहीं है। जिस दिन इंडिया ने अपना बॉर्डर सील कर दिया और कहा ट्रेड खत्म एंड डिक्लेयर यू एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर, आप क्या करेंगे। अब तो चीन ने भी देखा कि इस मटेरियल में माल ठीक नहीं है, इससे कुछ बनेगा नहीं, उन्होंने ईरान ही पकड़ लिए, अच्छे खासे हैंडसम गोरे नस्ल के लोग की कहां पाकिस्तानियों से चिक 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 रोज चलती रहती है। बियर की एक वो फैक्ट्री लगा दी लेजबेला में और चले गए वहां ईरान, सारी वो ट्रेड ईरान से करेंगे, या आपका सी पैक वैक सब ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा, और इन्होंने फैक्ट्री लगाने दी, वैसे तो बड़े इस्लामिक कंट्री बनते हैं लेकिन उन्होंने कहा ठीक है लगा दो, फ्री की शराब के लिए तो यहाँ पे सब तैयार होते हैं। फ्री नहीं है वो मैंने सुना किसी बड़ी अहम शख्सियत की इन्वेस्टमेंट है वहां पे। बिल्कुल होंगे कोई पुराने पुराने फौजी होंगे, कोई उन्हीं के सारे बिजनेस होते हैं शायद, उन्हीं में से देखिए किसी का होगा देते हैं। नंबर, आपने वो स्टेटिस्टिक्स पढ़े होंगे दैट द नंबर वन बिजनेस हाउस इन पाकिस्तान इज द पाकिस्तान मिलिट्री। कौन जंग लड़ता है अगर आपका कोई जिसकी दुकान हो वो अपनी दुकान के सामने क्या राइट चाहता है, नहीं। तो ये कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ चाहते हैं कि ये चलता रहे सिलसिला, बजट इनको मिलता रहे, ठाट से जिंदगी गुजारे, रिटायर हो जाए ऑस्ट्रेलिया में जाके या कनाडा, सब पासपोर्ट मिल रहे, एंड दे विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बस अब यही कसर रहेगी कि उसको बांटने के लिए ये दे विल स्टेप डाउन फर्दर और 4 बीवियों का अब सिलसिला फिर से शुरू होगा, क्योंकि वो भी तो चाहिए ना कि सैम्पलिंग करेंगे जन्नत जाने से पहले, हमको बताओ तो सही, हम 4 पे तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, 72 को क्या करेंगे। वेरी इलिटरेट सॉर्ट ऑफ अ प्रिमिटिव क्लास ऑफ पीपल। इंडिया वाले तो शायद शुक्र ही करते होंगे हमें हमारी हालत देखकर कि ये लोग हमारे साथ नहीं है, जान छूट गई उनकी। बिलीव भी उनको समझ नहीं आता पाकिस्तान, मैं आपसे बता रहा हूं कि आप इतने एंटी इंडिया एटमोसफेयर है इंडिया के अंदर, जो आम आदमी इतना सादा है उसको नहीं पड़ी हुई है ये दुश्मनी की और ये हेट्रेड और ये वो तो सिर्फ अपनी जो उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसको वो हिंदुत्वा कहते हैं, वो तो आप उसकी प्रिजर्वेशन में बैठा हुआ, और हम जो बाहर से लेके आए इसने, हम उसको कह रहे हैं ये देखे एक्सट्रीमिस्ट, अरे उसका मूल क्या है भाई, उसका मूल ये समझते हैं कि ईरानियों की तरह वो ये भी बदल जाएंगे और यहां से को 2-4 किश्तियों में बैठ के फिर हिंदू जाएंगे कहां ही बर्मा के, हमें
मुसलमान आ गए सब खत्म कर दिया तो हमें जगह नहीं आ रही, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं नहीं अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं, और लोगों को बहुत कुछ समझ आ गई है, बस सिर्फ जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जो हुकूमत कर रहे हैं शायद उनको समझ नहीं आ रही है, वो सीधे नहीं हो पा रहे, वो सही नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, हाँ थैंक चलिए यू सो मच। रोजे रखिए और फिर ईद पे मिलेंगे या उससे पहले। बिल्कुल डेफिनेटली, थैंक यू, खुदा हाफिज। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएँ। तो अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।